आज गोवा लिबरेशन डे, आज के ही दिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने 36 घंटे गोवा में पुर्तगालियों के 450 साल के शासन को उखाड़ दिया और गोवा का भारत में विलय हुआ। लेकिन आप सोचिए, जो काम 36 घंटे में हो गया उसको होने में आजाद भारत में इतने साल क्यों लगे? नेहरू ने जो गलती कश्मीर के मामले में की, वही गलती गोवा के मामले में की, क्योंकि इसी से भारत की आजादी के बाद गोवा को विलय में 14 साल लग गए। सोचिए, जो काम 36 घंटे में हुआ वो 14 साल अटका रहा, किसकी वजह से? गोवा का इतिहास थोड़ा सा सुनिए, फिर बताऊंगा इसमें आरएसएस और संघ कहां से आते हैं। सन 1510 में गोवा पुर्तगाल की कॉलोनी बना था, जब पुर्तगाली एडमिरल अल्फांसो डी अल्बुक्यूरेक्यू ने बीजापुर के सुल्तान की फौज को हरा दी, तब पुर्तगाली यहां आ गए। 1510 में पुर्तगाली कॉलोनी बनने के 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही राज चलता रहा, यहां तक कि अंग्रेजी शासन के दौरान भी पुर्तगालियों ने गोवा नहीं छोड़ा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भी पुर्तगालियों ने गोवा को भारत में जोड़ने से, आजाद भारत से बातचीत करने से भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे भारत। कहा जाता है नेहरू चाहते थे कि गोवा का विलय डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के जरिए किया जाए, लेकिन पुर्तगाली इसके लिए भी तैयार नहीं थे। अरे भाई, जब दिख रहा नहीं तैयार थे तो जो काम 14 साल बाद किया वो तभी निपटा देना था, लेकिन नहीं, वेट चल रहा था, वेट। इसके बीच पुर्तगाल 1949 में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नेटो सुनते हैं, उसकी स्थापना के साथ ही उसमें शामिल हो गया, जिससे नेहरू और बैकफुट पर चले गए, क्योंकि नेटो देश में शामिल हो गया तो भाई नेटो देशों का समर्थन की बात आ गई। आखिरकार 1961 में भारत सरकार ने ऐलान किया कि वो गोवा को भारत में शामिल करके रहेंगे, फिर चाहे बातचीत से हो या फिर युद्ध से। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से सैन्य अभियान चलाया और पुर्तगालियों से गोवा का अधिकार लेकर भारत में विलय करवाया। यानी जैसे कश्मीर में नेहरू को आखिरकार सेना भेजनी पड़ी, वैसे ही गोवा में नेहरू को सेना भेजनी पड़ी, लेकिन नेहरू जी को यह समझने में 14 साल लग गए। इस मामले में हम किस्मत वाले रहे कि गोवा 14 साल बाद भी भारत के कब्जे में आ गया, भारत के पास आ गया, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा अवैध रूप से आज भी पाकिस्तान के पास है, पीओके जिसको कहते हैं, नेहरू जी की मेहरबानी से, उस वक्त के फैसलों की मेहरबानी से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने जो राज्य लगभग भुला दिया था गोवा, नेहरू ने जो राज्य लगभग गंवा दिया था, वो राज्य आरएसएस के आंदोलन से कैसे नेहरू के फोकस में आया, आज आपको सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, जो ये कहना चाहते हैं कि आजादी दिलाने में सिर्फ कांग्रेस का कॉपीराइट है, कांग्रेस के नेताओं ने ही सारी कुर्बानियां दी हैं। एक बार उनको सुनिए, फिर आरएसएस ने गोवा के लिए क्या किया वो सुनाऊंगा। देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है, राजीव गांधी जी अपने जान दिए इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो जिसके घर में कुत्ता मरेगा वही देश के लिए कुछ किया है, फिर तो लोग इनके घर का भी इतिहास ले आएंगे, इनके यहां कौन मरा, और क्या मरेगा तभी माना जाए? ये किस तरह की भाषा है कि आपके घर में कोई कुत्ता भी मरा है क्या? जो लोग आजादी के लिए और देश की कुर्बानियों के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हैं ना, उन्हें आज गोवा का इतिहास सुनना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो सबको लगा था कि गोवा भी पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद होकर भारत के पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोवा के मामले में 14 साल तक नेहरू ने सक्रियता नहीं दिखाई। गोवा के मामले में नेहरू का 14 साल बाद एक्टिव होना यह बताता है कि गोवा की आजादी उनके एजेंडे में थी नहीं, जबकि गोवा में पुर्तगालियों के शासन के खिलाफ भारत की आजादी से पहले आंदोलन चल रहे थे।
1946 में भाई समाजवादी नेता रामन और लोहिया उन्होंने गोवा में ऐतिहासिक सभा की थी जब वहां पुर्तगालियों का राज था, जिसमें उन्होंने गोवा की आजादी की बात की। लोहिया की इस सभा को गोवा के पुर्तगाली शासन ने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने सभा की और इसमें लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी लोहिया चाहते थे ना कि गोवा भारत के साथ आए, गोवा को आजाद कराने की बात चल रही थी। फिर नेहरू 14 साल तक गोवा को कैसे रहने दिए पुर्तगालियों के साथ? हैरान करने वाली बात है ना कि राम मनोहर लोहिया ने जिस गोवा के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया और गोवा में जाकर गिरफ्तारी दे दी, उस गोवा को आजादी के बाद तुरंत विलय के लिए जोर नहीं दिया गया, जबकि जब 14 साल बाद किया तो 36 घंटे में हो गया विलय। भारत को आजादी मिले 8 साल गुजर चुके। अभी इतिहास सुनिए जरा, 1947 से 1954 आ गया था, लेकिन गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कोई बड़ा कदम उठाते नजर नहीं आ रहे थे और करीब 8-9 साल तक गोवा के विलय का मामला ठंडे बस्ते में रहा। अगर इसमें किसी ने जोर दिया और गोवा की मुक्ति के लिए बड़ा आंदोलन किया तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसने गोवा मुक्ति आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई। जो कह रहे थे ना कि आपके यहां कुत्ता भी मरा है, आपने आजादी के लिए क्या किया है, सुनिए वो आजाद भारत का वो राज्य जो आरएसएस ने मुहिम चलाकर आजाद कराया और नेहरू को ध्यान दिलाया कि बॉस इसके बारे में सोचिए। 1954 में आरएसएस के बड़े नेता जयंत राव तिलक की अध्यक्षता में पुणे में बड़ी बैठक हुई। इसी बैठक में गोवा विमोचन समिति का गठन किया गया। नारा दिया गया, गोवा को पुर्तगाल से आजादी हिंदुस्तान के नौजवान दिलाएंगे। इसी के बाद गोवा की आजादी के लिए देशभर में संघ की बैठकें शुरू हो गई। मतलब सरकार से उम्मीद छोड़ दी, नेहरू जी से उम्मीद छोड़ दी, कहा हम लड़ाई लड़ेंगे। आरएसएस की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि संघ के स्वयंसेवक गोवा जाकर और गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करेंगे। 13 जून 1955 को गोवा की मुक्ति का आह्वान संघ और भारतीय जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव जोशी ने किया। कर्नाटक केसरी के नाम से मशहूर जगन्नाथ राव जोशी ने अपने 3000 स्वयंसेवकों के साथ गोवा बॉर्डर की तरफ कूच किया। गोवा की मुक्ति के लिए संघ का यह एक बड़ा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। गोवा पहुंचने पर इन सत्याग्रहियों पर पुर्तगाल शासन ने लाठियां चलाई और गोलियां बरसाई, लेकिन आरएसएस के सत्याग्रही पीछे नहीं हटे। अब तक आंदोलनकारियों के कई छोटे छोटे ग्रुप भी गोवा मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन जितने भी आंदोलनकारी ग्रुप थे उनमें संघ के सत्याग्रहियों की संख्या दूसरों से करीब 4 गुना ज्यादा थी। सिर्फ 2 महीने के भीतर संघ के जगन्नाथ राव जोशी, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, विनायक राव आप्टे जैसे नेताओं के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन बहुत बड़ा आकार ले चुका था, जो सीधे तौर पर पुर्तगाल शासन को चुनौती दे रहा था। नेहरू नहीं दे रहे थे, संघ और आरएसएस दे रहे थे पुर्तगाल को चुनौती कि गोवा भी भारत का हिस्सा है। इसमें एक अहम भूमिका संघ की राष्ट्रीय सेविका समिति की महिला सत्याग्रहियों की थी। जो लोग बताते हैं ना कि संघ में महिलाएं कहां, गोवा के लिए लड़ाई लड़ रही थी महिला सत्याग्रही, जिनका नेतृत्व सरस्वती आप्टे ताई कर रही थी। 15 अगस्त 1955 को 5000 से ज्यादा सत्याग्रही गोवा में पुर्तगाल शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिनके ऊपर पुर्तगाल की सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीकांड में 51 सत्याग्रही शहीद हुए, 300 से ज्यादा सत्याग्रही घायल हो गए। गोवा में निहत्थे स्वयं सेवकों का प्रदर्शन 3 महीने तक चला। पुर्तगाल पुलिस की लाठियां उन पर बरसती रहीं। 15 अगस्त 1955 को फायरिंग भी की गई। पुर्तगालियों की पहली गोली सीने पर जिसने खाई वो थे राजा भाऊ महाकाल। राजा भाऊ महाकाल उज्जैन के रहने वाले थे, वो इंदौर से स्वयं सेवकों को जुटाकर गोवा आए थे और वो इस जत्थे में तिरंगा लिए सबसे आगे थे। पुर्तगाली पुलिस की 3 गोलियां उनके माथे पर लगी, फिर भी तिरंगा उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। उनकी वीरता देखकर साथी आंदोलनकारी भी गोलियां खाते हुए आगे बढ़ते रहे, कोई पीछे नहीं हटा। आजाद भारत में गोवा को आजाद दिलाने के लिए यह संघ लड़ाई लड़ रहा था, आरएसएस लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यह इतिहास आपको बताया नहीं जाता। जबकि यह लड़ाई किसको लड़नी थी? उन नेहरू को लड़नी थी जिनके पास देश से गोवा को जोड़ने का नेतृत्व था।
पर वो 14 साल नहीं कर पाए। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए कई स्वयंसेवकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इनकी कुर्बानी को अब तक नजरअंदाज किया। अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव में इन लोगों के योगदान को न सिर्फ याद किया बल्कि उनकी ऐसे वीर सपूतों की तस्वीर के साथ जानकारी भी दी ताकि लोग इनके बारे में जान सके। इसमें राजा भाऊ महाकाल का नाम भी है जिनकी तस्वीर और जिनका योगदान अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। एक बात और जो सोचने वाली है कि जब 15 अगस्त 1955 को गोवा की आजादी की मांग कर रहे संघ के लोगों पर गोलियां चली, 51 आंदोलनकारी शहीद हो गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान का फैसला क्यों नहीं किया? क्या ये भारत के लोग नहीं थे? संघ के थे तो थे, लेकिन गोली जो खा रहे थे वो तो भारत के ही थे ना। भारत में गोवा जुड़ जाए इसके लिए खा रहे थे ना। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नेहरू ने सैन्य अभियान का फैसला तब लिया जब 1955 के आंदोलन के 6 साल बाद नवंबर 1961 में पुर्तगाली शासन ने गोवा में प्रदर्शन कर रहे मछुआरों पर गोली चलाई। आरएसएस पर गोली चलाई तब नहीं, मछुआरों पर गोली चलाई। इसके बाद नेहरू जी ने रक्षा मंत्री वीके मेनन से सलाह की, गोवा पर सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी दे दी। नवंबर 1961 में पुर्तगाल शासन की उस गोलीबारी में गोवा में एक प्रदर्शनकारी मछुआरे की मौत हो गई। इसी से नेहरू पर सवाल उठता था कि 6 साल पहले ही नेहरू ने गोवा के मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया, तब जब आरएसएस ने इतना माहौल बनाया था गोवा की आजादी के लिए और वो गोली खा रहे थे। जिन वीर सावरकर को कांग्रेस कोसती रहती है और इनके बहाने संघ विरोध की राजनीति करती है, उन वीर सावरकर ने उस समय गोवा की आजादी का मुद्दा उठाया था जब नेहरू चुपचाप थे। 1955 में संघ ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया। तब संघ के सत्याग्रही खासतौर से जाकर वीर सावरकर से मिले थे। वीर सावरकर ने तब भी दोहराया था गोवा की मुक्ति के लिए नेहरू सरकार को सशस्त्र कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कल ही भारतीय नौसेना को P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ सौंपा गया। इस युद्धपोत का भी गोवा की आजादी से कनेक्शन है। INS मोरमुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया। INM मोरमुगाओ को पिछले साल 19 दिसंबर को पहली बार समुद्र में उतारा गया। गोवा की आजादी के 61 साल बाद 19 दिसंबर को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा की आजादी में भारतीय नौसेना ने अहम भूमिका निभाई। तो भारत के उस राज्य का चैप्टर आपको बता रहा था जो आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ और उसमें आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका थी, यह आज तक आपको बताया नहीं जाता। कैसे संघ के प्रचारकों ने, संघ के लोगों ने, स्वयंसेवकों ने सीने पर, माथे पर गोलियां खाई, यह आपको नहीं बताया जाता। सोचिए इस देश में इतिहास कैसे पढ़ाया और रटाया गया है।